नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अलीगढ़ में बिना प्रशासन की अनुमति के सेंटर पॉइंट चौराहे पर कांग्रेसियों द्वारा किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। सेंटर पॉइंट पर भारी पुलिस फोर्स ने कांग्रेसियों के प्रदर्शन को रोक दिया। धारा 144 लागू होने के चलते और अनुमति नहीं दिए जाने पर कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेसियों को बस द्वारा पुलिस लाइन भेजा गया है। एसीएम प्रथम ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए लोग अगर जमानत देते हैं तो जेल जाने से बच जाएंगे। वहीं कांग्रेस के हरियाणा कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। प्रधानमंत्री को किसानों के आंदोलन में जाना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि किसी भी कार्यक्रम करने की प्रशासन की तरफ से कोई अनुमति नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कार्यक्रमों की सूचना दी थी लेकिन उसकी अनुमति प्रशासन ने नहीं दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हमने कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लिया है, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस ठंड में किसान पिछले 20 दिनों से सड़कों पर पड़ा है और हम लोगों को किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए सड़कों पर निकलना होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसानों के आंदोलन में प्रधानमंत्री चले जाते तो किसानों के आंसू पोंछ जाते, लेकिन प्रधानमंत्री को किसानों की चिंता नहीं है, उन्हें तरफा मन की बात करने से फुर्सत नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की 60% आबादी किसानों की है और इस कृषि कानून को लेकर उद्वेलित है। जब किसान अपने भविष्य को लेकर भयभीत है तो देश समृद्ध कैसे होगा। अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बिना किसी पूर्व सूचना का लगभग 100-150 लोगों को लेकर के जानकारी मिली कि ये सेंटर पॉइंट धारा 144 लागू है और इन्होंने जुलूस निकालने की कोई अनुमति नहीं ली, इसलिए मजबूरन इन्हें सेंटर पॉइंट से हमें शांति भंग करने का आरोप गिरफ्तार करना पड़ा। अगर ये जमानत देंगे तो जेल नहीं जाएंगे, जमानत नहीं देंगे तो जेल जाना पड़ेगा।